सिट या सिट, मेरी पत्नी धोती मार दी, तू क्या कर रहे? चुप कर जा ताली, चुप कर जा, बहुत सीरियस गेम चल रही है धोती। दो गेम खेल ले नहीं तो तू अपने आप के साथ ही खेल ले, तो मजा तो आ रहा है ना। बिल्कुल तेरे जैसे लोग होते जिनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, ये तेरी जैसी आवाम में जो सारा सारा दिन फेसबुक पर ऑनलाइन बैठकर कैंडी क्रश खेलते हैं। अरे भाई जितने मेरी फेसबुक की पोस्ट में कभी लाइक नहीं है उससे ज़्यादा तो मुझे कैंडी क्रश की नोटिफिकेशन जाती थी। वो यही हाल आजकल लूडो का, जिसको भी देखो हर बच्चा बड़ा हुआ चाचा चाची पप्पा पुप्पी नाना नानी नुकराना नुकरानी मामा मामी पप्पा पुप्पी सब लूडो के पीछे पागल। अरे भाई क्या खेलने के पैसे मिलते हैं तुम लोग को? अच्छा सुन मेरी बात, मैं एक पीर बाबा के पास गया था तो क्या बाबा प्रताप अली खान, बाबा प्रताप अली खान ये कैसा नाम है पता नहीं। ओ अच्छा, लगता है इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा। नहीं बुरी बात चिंटू, इसे किसी का नाम करो मजाक नहीं उड़ाते। खैर मैं बाबा प्रताप मैं बाबा प्रताश के पास गया था, उन्होंने मुझे ये दो गोलियां दिए जो जादुई से तैयार की हुई है। उन्होंने मुझे कहा है बेटा ये दो गोलियां खा ले सारी लड़कियां तुझ में मर पिटेगी। अभी भाई मुझे साइड इफेक्ट्स तो बताने देता। कैसे साइड इफेक्ट? बाबा प्रताश ने कहा था अगर तुम ये गोलियां खा लेते हो तो तुम सिर्फ सच बोल पाओगे, झूठ बोल ही नहीं सकोगे। मैं तो बोल सकता हूँ, चल टेस्ट कर देते। तूने मुझे कहा था कि तेरे मैथ के एग्ज़ाम में 91% आए थे, मुझे नहीं लगता तेरे मैथ के एग्ज़ाम में कितने परसेंट आए थे। मेरे मैथ के एग्ज़ाम में 90 इट्स वर्क यार, मुझसे दूध को नहीं बोला जा रहा। सच सच बता चिंटू कितने आए थे? 19%। अगर यार 9 की 1 9 की इस तरफ लगा दो या इस तरफ लगा दो, बात तो एक ही है ना। वो भी है मिस आयशा को ऐसी मेरे से नफरत थी, ऐसी नफरत नहीं थी। मिस आयशा की क्लास में आने से पहले उसकी सीट के ऊपर थंब प्रिंट उल्टी करके किसने रखी थी, और वो आके बैठ भी गई तो पूरी क्लास में कुत्तों की तरह तो हंस रहा था। बेचारी मिस आयशा 2 महीने खड़े होकर लेक्चर दिए, बेचारी बैठ भी नहीं पाई। एक सवाल आया फाइंड एक्स, हाँ सिंपल है। तूने क्या लिखा? मैंने लिख लिया नो दिस अ पर्सनल क्वेश्चन, अभी यार मैं अपनी एक्स को क्यों ढूंढूँ, मेरा अभी 2 महीने पहले ही तो ब्रेकअप हुआ था, अभी हर कोई आके उठ के आके बोलेगा मुझे कि जाके अपनी एक्स को ढूंढो तो मैं अपनी एक्स को ढूंढूंगा। जीनियस ब्रो। अच्छा तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब क्या मतलब मैं कैसा हूँ? अमेज एक नंबर का कुत्ता है यार तू, पर जो भी अपने बाप से बेहतर है। अंकल मैं तो कहता हूँ ऐसी नहीं, नो तू चुप रहेगा। हो क्या रहा है ये ऐसी की तैसी चिंटू।